छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच वार पलटवार जारी है। इस जुबानी जंग में अब चुनावी साल का तड़का लग गया है। दोनों नेता कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर एक दूसरे की पार्टी पर हमला बोलते हैं। फिर दोनों ही कहते हैं कि आप अपनी पार्टी की चिंता करो। शुक्रवार को एक बार फिर ऐसा ही हुआ। दरअसल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया कि कांग्रेस के विधायक चुनाव मैदान में जाने से डर रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह पहले अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करें। भाजपा की पूर्व प्रभारी कह चुकी हैं कि यहां कोई चेहरा नहीं है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास ये जीत नहीं पा रहे हैं। जो 14 विधायक हैं, उन्हें भी कहा गया है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। किसको टिकट देना है, नाम दे दें। सीएम ने आगे कहा कि डॉक्टर रमन सिंह स्वयं अपनी स्थिति देख लें। इससे पहले गुरुवार को सीएम ने कहा था कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। वहीं पुराने चेहरे हैं जिन्हें जनता नकार चुकी है। जाहिर है कि इस पर भाजपा नेता फिर कह रहे हैं कि सीएम अपनी पार्टी की चिंता करें। ये विधायक लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच विधायकों ने कह दिया कि अब हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है इस सरकार में। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है, तो अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। चिंता करें, ये पुरेंद्रेश्वरी देवी जी तो बोल चुकी हैं कि वो छोटा चेहरा भी नहीं है। केंद्रीय नेता तो अपने विश्वास भी नहीं कर रहा है। दूसरा, अभी मुझे जो जानकारी मिली, सारे विधायकों बोल दिए, जो 14 बचे हैं ना उसको भी बोल दिया टिकट विकेट नहीं, किसको लड़ाना सोच लो। तो अपनी टिकट की चिंता करे रमन सिंह जी। मुख्यमंत्री रहते अपने बेटे के तो लोकसभा टिकट दिला नहीं पाए, तो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? अपने बेटे तक के टिकट नहीं दिला पाया, टिकट कट गई। अब वो अपनी अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की करे।